गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें टू एंड्स पे, एक एंड पे अमाइनो ग्रुप होता है और जो अनदर एंड होता है उस पे एसिड ग्रुप होता है. लाइक इफ़ देयर इज़ एनी कार्बन चेन, एनी कार्बन रिंग इज़ हेयर एंड एट द वन साइड देयर इज़ अमाइनो ग्रुप, दैट इज़ NH2 और NH3 एंड देयर इज़ COOH ग्रुप. दिस इज़ एसिड ग्रुप. वी कैन कॉल दिस इज़ अमाइनो एसिड. ठीक है, इन आर बॉडी देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, दैट परफॉर्म सो मैनी फंक्शंस इन आर बॉडी एंड हाउ दिस मेटाबोलाइज इन आर बॉडी देयर वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट बॉडी प्रोटीन्स आर कॉन्स्टेंटली एंड रिपीटेडली सिंथेसाइज एंड डिग्रेडेड. In adults, the rate of synthesis and degradation remains the same. The process is called protein turnover. कि जो हमारी बॉडी है इसमें डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो नए बनते हैं और बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं, ओल्ड प्रोटीन्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं. ठीक है, तो जब एडल्ट होता है कोई, मतलब कोई यंग एज में है, तो यंग एज में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो अच्छा होता है. दैट्स वाई जितने प्रोटीन्स डेली बेसिस पे न्यू बनते हैं उतने ही डिग्रेड हो जाते हैं. तो उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन टर्नओवर. ठीक है, सम प्रोटीन्स लाइक कॉलेजन एंड डेंस प्रोटीन्स हैव वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ वाइल अदर्स लाइक HMG को इरिडक्टेज एज शॉर्ट हाफ लाइफ दैट इज 2 hours. कहते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, कुछ तो ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी जो हाफ लाइफ है, जिनकी जो हाफ लाइफ है बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है उसकी हाफ लाइफ, वो जल्दी से डिग्रेड नहीं होते. एग्जाम्पल्स हैं कोलेजन एंड डेंस प्रोटीन्स. ठीक है, बट ऐसे भी प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में जिनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इवन 2 hours है बस, और वो 2 hours में ही डिग्रेड होके ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, तो उसकी एग्जांपल इन्होंने दी है HMG को इरिडक्टेज. HMG को इरिडक्टेज क्या है? ये एक एंजाइम है जो कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है. कोलेस्ट्रोल सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मार्केट में ड्रग्स आती हैं, कोलेस्ट्रोल जो लोअरिंग ड्रग्स हैं, ठीक है, तो उनमें उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं. क्योंकि इस एंजाइम जो, ये वाला एंजाइम जो है, दैट वाज प्रेजेंट इन आर बॉडी एंड हेल्प्स टू सिंथेसाइज कोलेस्ट्रोल इन आर बॉडी. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन चेन. ठीक है, तो दिस एंजाइम हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, जस्ट 2 hours. ठीक है, नेक्स्ट है सेवरल सेलुलर प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन. ठीक है, एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, तो हमारे जो बॉडी में बहुत सारे सेल्स में, सेलुलर प्रोटीन मतलब सेल्स में, सेल में कोई ऐसे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जब अमाइनो एसिड जो है वो जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन्स. ठीक है, जब अमाइनो एसिड जो हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये क्या होती है? जिस लिंकेज के थ्रू ये अटैच होते हैं उस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, तो हमारी बॉडी में, सेल्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं. प्रोटियोलिटिक का मतलब प्रोटीन को तोड़ देना. तो प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं जो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन करते हैं, इनको ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, तो और हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. अगर हम पेप्टाइड लिंकेज की हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये लिंकेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगी. तो हमारी बॉडी में 2 types ऑफ एंजाइम होते हैं, एक प्रोटियोलिटिक, एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. एक तो प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, एक जो पेप्टाइड लिंकेज जो है इसको हाइड्रोलाइज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट,
they may be located in lysosomes, microsomes and cytosol of cell. Lysosomes क्या होते हैं? ये भी एक cells हैं जो हमारी body में protein की degradations करते हैं. तो ये जो enzymes होते हैं, these ये कहाँ पे present होते हैं? ठीक है, ये they may be located in lysosomes, microsomes and cytosol of cell. Cell के cytosol में, cytosol जो होता है cell के अंदर जो plasma है, cell के अंदर जो liquid है, fluid है, उसको बोलते हैं साइटोसोल. मतलब कि साइटो मतलब सेल, सोल मतलब सॉल्यूशन, सेल्स के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं साइटोसोल. साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं ये, लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है अमाइनो एसिड पूल. अगर हम अमाइनो एसिड पूल की बात करें तो हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड का पूल है, मतलब अमाइनो एसिड का जो टर्नओवर है वो कैसे होता है, ठीक है, कैसे हमारी बॉडी में कितना अमाउंट में हमारी बॉडी में न्यूली सिंथेसाइज होता है, कितना हमारी बॉडी में डिग्रेड होता है, और जो न्यू सिंथेसाइज जब होता है तो जो डिग्रेड हुआ अमाइनो एसिड्स है उसी से ही कभी कभी नया बन जाता है, तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड पूल. ठीक है, तो अगर हम सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें, बॉडी प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन हैं दे ऑल डिग्रेडेड, ठीक है, कितनी अमाउंट में, 400 ग्राम पर डे हमारी बॉडी जो है, जितने हमारी बॉडी के प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ से आते हैं डिग्रेड होके जो प्रोटीन्स हैं वो आते हैं. नेक्स्ट है डाइट्री प्रोटीन. डाइट्री प्रोटीन जो है 55 ग्राम पर डे, एक हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स कंट्रोल होते हैं वो होते हैं डाइट से. तो डाइट से भी अमाइनो एसिड पूल में जो है, मतलब क्या है कि हम डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में जो बॉडी प्रोटीन डिग्रेडेशन है दैट इज़ 400 ग्राम पर डे, पर जो हम डाइट से प्रोटीन लेते हैं दैट इज़ 55 ग्राम पर डे. नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. दीज नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? वेरिएबल अमाउंट होते हैं. नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जो इतने ज़रूरी नहीं होते. नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो इतने ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, उनकी वेरिएबल अमाउंट रहती हैं, वो कभी कभी ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस. हमारी बॉडी जो है वो डेली बेसिस पे प्रोटीन सिंथेसिस कितना करती है? 400 ग्राम पर डे, क्योंकि डिग्रेड कितने हो रहे हैं? 400 ग्राम पर डे, ठीक है, तो सिंथेसाइज भी कितने हो जाते हैं? 400 ग्राम पर डे. नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट सिंथेसिस. ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट सिंथेसिस होता है बेटे, जो स्पेशली हमारे अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि HMG को इरिडक्टेज, दिस ऑल अबाउट द एंजाइम्स. जो एंजाइम्स होते हैं दैट ऑल्सो मेड अप फ्रॉम द प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये कब बनते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई मैकेनिज्म स्टार्ट होता है. लाइक आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि किसी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होना है, तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के टाइम जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे एंजाइम्स किससे बनने हैं? प्रोटीन से. तो स्पेशली वो एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, फिर हमारी बॉडी के मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं. तो स्पेशल प्रोडक्ट सिंथेसिस की बात करें वो होता है 30 ग्राम पर डे. नेक्स्ट है यूरिया. जो हम यूरिन में अमोनिया जो है वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है, बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो सम टाइप ऑफ प्रोटीन्स. अमोनिया जो है वो भी बेसिक नेचर का होता है, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी से जो है वो 30 ग्राम पर डे जो है वो लूज़ हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन्स जो है वो यूज़ हो जाते हैं कीटोजेनेसिस में, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो सारे जो मिलके वो सारे किससे बनते हैं? प्रोटीन से, अमाइनो एसिड से. तो अगर हम अमाइनो एसिड पूल की बात करें तो हमारी बॉडी जब प्रोटीन्स को डिग्रेड करती है तो वहाँ से हमारे पास डिग्रेड होकर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इस पूल में आ जाते हैं, वहीं से आके यूज़ होते हैं. तो जो हम डाइट से लेते हैं 55 ग्राम पर डे वो भी पूल में आ जाते हैं, और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है जो हम वेरिएबल अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं वो भी पूल में आ जाते हैं. और वहाँ से यूज़ कहाँ पे होते हैं? एक बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस में, स्पेशल प्रोडक्ट सिंथेसिस में, एक यूरिया में, यूरिन में पास करते हैं हम, एक हमारी बॉडी को जो साइकिल्स हैं लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसमें एंजाइम की फॉर्मेशन करने में यूज होते हैं. नेक्स्ट है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड. अगर कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करें तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड में अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर कैटाबलाइज्ड टू गिव एनर्जी.
अगर आप बहुत सारा प्रोटीन्स खा लेते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स खा लेते हैं, प्रोटीन्स खा लेते हैं बेसिकली, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। दे ऑल आर कैटाबलाइज, मतलब ये सारे जो हैं कैटाबलाइज हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जो एनर्जी जो निकलेगी वो हमारी बॉडी जो है उसको यूज़ कर लेंगी। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप नाइट्रोजन अकर इन द फोर स्टेज। ठीक है, अगर हम अल्फा अमीनो ग्रुप, मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन ग्रुप है उसके साथ वाली जो कार्बन है उसके ऊपर अमीनो ग्रुप जब लगा होता है उसको अल्फा अमीनो ग्रुप बोलते हैं। कि जो अल्फा अमीनो ग्रुप कंटेनिंग जो नाइट्रोजन्स हैं ये आपने छोड़ देना है, इसको आपने सिर्फ लिखना है कि जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स का जो कैटाबॉलिज्म होता है वो फोर स्टेजेस में होता है। द फर्स्ट इज ट्रांस अमाइनेशन, सेकेंड इज डी अमाइनेशन, नेक्स्ट इज डी कार्बोक्सीलेशन, एंड अनदर वन इज लास्ट इज यूरिया जेनेसिस इन साइक्लिक पाथवे ऑफ यूरिया साइकिल। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली 3 पॉइंट, दैट इज ट्रांस अमाइनेशन, डी अमाइनेशन एंड डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ट्रांस अमाइनेशन। अगर हम ट्रांस अमाइनेशन की बात करें तो ट्रांस अमाइनेशन को ब्रेक कर लीजिए, ट्रांस अमाइनेशन मतलब कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कराना, अमाइनो ग्रुप की ट्रांसफ़र करने में जो प्रोसेस जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, तो ट्रांस अमाइनेशन इज ए प्रोसेस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। It gives rise to a new amino acid as well as new keto acid. अब देखिए amino acid क्या होता है, जिसके ऊपर एक amino group हो, एक acid लगा हो, तो ये क्या है amino acid, क्या होता है, this is amino acid। ठीक है, अगर मैं अल्फा क्यों बोलते हैं, ये कोई chain है, इसकी first position पे ही amino group लगा हुआ है तो अल्फा अमाइनो बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस अमाइनो ग्रुप को यहां से निकाल दूं, ठीक है, तो यो जो रह जाएगा इसको बोलते हैं कीटो एसिड। क्यों कीटो एसिड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप है, साथ में एसिड लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कीटो एसिड। अगर आप किसी अमाइनो एसिड से कोई अमाइनो ग्रुप जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आप लीव करवा देते हैं, तो रेस्ट जो मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं कीटो एसिड। ठीक है, और अब अमाइनो ग्रुप जो यहाँ से निकला है, जो अमाइनो ग्रुप यहाँ से निकला है, ठीक है, वो किसके पास जाएगा, यहाँ से निकल गया अमाइनो एसिड। अब जो दूसरे वाला कोई कीटो, ये आर वन है, ये आर टू है, तो R2 जो है उसके पास अमाइनो ग्रुप नहीं है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा होता तो फिर नहीं लग सकता, क्योंकि अमाइनो ग्रुप एक ही लग सकता है अमाइनो एसिड में। तो ऐसा कोई कीटो एसिड जिसके पास अमाइनो ग्रुप नहीं है तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके अमाइनो ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, तो ट्रांस अमाइनेशन इज अ प्रोसेस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। देखिए ये है कोई अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड है ये कोई, ठीक है, जिसके अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई अल्फा अमाइनो एसिड है। ठीक है, अगर आप इसमें से ट्रांस अमाइनेशन कर दें, ट्रांस अमाइनेशन का मतलब कि आप जो ट्रांसफ़र कर दें अमाइनो ग्रुप की, तो ट्रांस अमाइनेशन जब आप करेंगे तो इट्स कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटो एसिड, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, तो इट कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, अगर आप अल्फा कीटो एसिड में ट्रांस अमाइनेशन कर दें, यही अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या करेगा, वो अगर आप अल्फ़ा कीटो एसिड में अमाइनो ग्रुप ऐड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अमाइनो ग्रुप ने आपने निकाल के इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेशन। तो जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस अमाइनेज एंजाइम क्या करता है, अल्फा अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाल के
इसको कन्वर्ट कर देता है कीटो एसिड में, और इसी अमाइनो ग्रुप में कीटो एसिड को डाल के कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। तो इसको बोलते हैं ट्रांस अमाइनेज, ठीक है, ट्रांस अमाइनेज। नेक्स्ट है लीवर कंटेन ट्रांस अमाइनेज ऑलमोस्ट फॉर ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट थ्रियोनिन एंड लाइसिन। कि जो हमारा लीवर है इसमें सब टाइप के, मोस्टली इसमें जो हमारे लीवर है इसमें हर तरह के ट्रांस अमाइनेज एंजाइम जो है वो रहते हैं, एक्सेप्ट थ्रियोनिन एंड लाइसिन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये याद कर लेना है कि जो हमारा लीवर है दैट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी ट्रांस अमाइनेज रिएक्शंस होती हैं क्योंकि लीवर के पास बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो रहते हैं, लेकिन इसके पास थ्रियोनिन एंड लाइसिन नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। एग्जांपल में क्या है कि अगर हम एलानिन लेते हैं, एलानिन जो है वो एक अमाइनो एसिड है, एलानिन को आप अल्फा कीटो ग्लूटरेट में डालते हैं, ये एक कीटो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये कीटो एसिड है, ठीक है। जब आप एलानिन को रिएक्ट करवाते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जीपीटी और एएलटी एंड बी6, बी6 इज अ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ये टाइप है बी6, ठीक है। देन इट्स कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट, पायरुवेट का मतलब पायरुविक एसिड, कीटो ग्लूटरेट का मतलब कीटो ग्लूटारिक एसिड, 8 का मतलब होता है एक एसिड, ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने जो एग्जांपल है वो याद कर लेनी है दैट व्हेन एलानिन रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जीपीटी और एएलटी इन एंड बी6 इट्स कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट एंड ग्लूटामेट। द अनदर एग्जांपल इज एस्पार्टेट एस्पार्टेट रिएक्ट विद अल्फा कीटो ग्लूटरेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जीपीटी और एएसटी, इन बी6 एंजाइम इन्वॉल्व रहता है इसमें, देन इट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट एंड ग्लूटामेट, ऑक्सैलोएसीटेट एंड ग्लूटामेट, ठीक है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म जो है वो मैंने मेंशन की हैं, जीपीटी मतलब ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमाइनेज, क्योंकि उसमें ग्लूटामेट इन्वॉल्व था, पायरुवेट इन्वॉल्व था, तभी जो नाम है इसका इसके नाम के ऊपर इसका नाम पड़ गया ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमाइनेज। ALT एलानिन अमाइनो ट्रांसफिरेज, GOT ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसमाइनेज, AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफिरेज, ठीक है। तो ये आपने फुल फॉर्म जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसमाइनेशन एन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद कोएंजाइम पायरिडॉक्सल, एन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद कोएंजाइम पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट एंड फॉर्म्स अ शिफ्ट बेस। कहते ड्यूरिंग ट्रांसमाइनेशन जो प्रोसेस है उसके ड्यूरिंग ट्रांसमाइनेशन कि एक अमाइनो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है कोएंजाइम के साथ, ठीक है। ट्रांसमाइनेशन जो अभी हम प्रोसेस करके आए हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने बताया है कि जब ट्रांसमाइनेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जो हमने अमाइनो एसिड लिया था, ठीक है, वो रिएक्ट करता है कोएंजाइम के साथ दैट इज पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट एंड फॉर्म्स अ शिफ्ट बेस, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि ट्रांसमाइनेशन जब हम प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, जो हम उसमें अमाइनो एसिड जो लेते हैं, वो अमाइनो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है कोएंजाइम के साथ। कोएंजाइम का नाम कौन सा है? पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट। तो अमाइनो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है कोएंजाइम के साथ दैट इज पायरिडॉक्सल 5-फॉस्फेट। तो जब उसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं शिफ्ट बेस, ठीक है। नेक्स्ट है द कोएंजाइम फर्स्ट बिकम प्रोटोनेटेड एंड इज हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज अल्फा कीटो एसिड। मतलब क्या है इसका कि कोएंजाइम जो है जब अमाइनो एसिड के साथ, सबसे पहले आपने देखा था अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो एसिड में, ठीक है। मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया था कि जब अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में। तो इसका प्रोसेस में होता क्या है कि अमाइनो एसिड जो है वो पहले कोएंजाइम बी6, जो हम बी6 करके आए हैं ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बी6 वो कोएंजाइम है, तो वो क्या करता है, वो इस कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करने के बाद एक शिफ्ट बेस बनता है,
उसके बाद क्या होता है, जो कोएंजाइम जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, इसमें प्रोटोन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या कर गया, ये लेफ्ट कर जाएगा। लेफ्ट करने के बाद अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में, ठीक है। तो B6 का काम क्या होता है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, तो प्रोसीड करवा के B6 जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है द रिएक्शंस फॉलो अ पिंग पोंग मैकेनिज्म। पिंग पोंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो अमाइनो ग्रुप निकल रहा है वो इधर से दूसरे अमाइनो एसिड में यूज हो जाएगा, ठीक है। जो इधर से अमाइनो एसिड निकला था वो इधर से किसी और कीटो एसिड में यूज होके अमाइनो एसिड बना देगा। तो दिस इज फॉलोज अ पिंग पोंग मैकेनिज्म। द प्रोस्टेटिक ग्रुप इज मॉडिफाइड केमिकली ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज रिलीज बिफोर द सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए पिंग पोंग मैकेनिज्म तो है, ठीक है, जो अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट हो रहा है कीटो एसिड में, ठीक है। तो इधर से कोई और कीटो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड लेके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वही अमाइनो ग्रुप जो यहाँ से निकला था, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कीटो एसिड फिर से अमाइनो ग्रुप लेके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब ये अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में, तो जब ये अमाइनो ग्रुप जो है लेफ्ट कर देता है तो इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, जो ग्रुप है इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन होने की वजह से जो रिएक्शन जो है वो बैक नहीं जाता, तो इसके जो इधर जो दूसरे वाला जो कीटो एसिड है दैट कन्वर्ट इनटू द अमाइनो एसिड, ठीक है, तो सेकेंड सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो लास्ट में हमने एग्जांपल शो की है कि अल्फा अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कीटो एसिड में, उसने अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट कर दिया। तो अमाइनो ग्रुप जो किसने ले लिया, पाइरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट ने, पाइरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट ने लेके पाइरिडॉक्सामाइन 5-फॉस्फेट बन गया, क्योंकि यहाँ से जो अमाइनो ग्रुप निकला था वो किसने ले लिया, पाइरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट ने। तो पाइरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट बाय टेकिंग द अमाइनो ग्रुप कन्वर्ट इनटू द पाइरिडॉक्सामाइन 5-फॉस्फेट, देन पाइरिडॉक्सामाइन जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे लेफ्ट कर देगा, तो इससे क्या होगा, जो कीटो एसिड है दैट कन्वर्ट इनटू द अमाइनो एसिड, ठीक है। तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरिडॉक्सिल 5-फॉस्फेट में। तो एग्जांपल भी लिखिए यहाँ पे, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय टेकिंग अ वन अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अनदर मैकेनिज्म इज डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन जो है दैट अगर हम इसके नाम से ही देखें तो डीअमाइनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप को डिक्रीज करना, मतलब अमाइनो ग्रुप को बाहर निकालना, ठीक है। तो डीअमाइनेशन होता है, डीअमाइनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फॉर एन अमाइनो एसिड। कि आपके पास कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, आपके पास कोई अमाइनो एसिड है, उसमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, R है यहाँ पे COOH है, तो अगर हम इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें तो इसको बोलते हैं डीअमाइनेशन, ठीक है। डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड मेनली अकर इन लीवर एंड किडनी। कि जो डीअमाइनेशन जो प्रोसेस है वो मेनली हमारे लीवर एंड किडनी में ही फंक्शनिंग उसकी होती है। डीअमाइनेशन अकर इन द टू वेज में डीअमाइनेशन होती है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, नेक्स्ट इज नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ठीक है। डीअमाइनेशन जो है वो टू टाइप्स की है, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव की बात करें, दिस इज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्या होती है, सेवरल एंजाइम्स इन लीवर एंड किडनी कैटलाइज डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड सच एज ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज मेजर पाथवे, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज माइनर पाथवेज। कि जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन का मतलब होता है कि इसका ये है क्या, इस प्रोसेस को हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में कहते हैं बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं लीवर एंड किडनी में जो डीअमाइनेशंस करते हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशंस करते हैं। एग्जांपल कौन कौन सी है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंड अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। जो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज है वो इन्वॉल्व होता है मेजर पाथवेज में, कि हमारी बॉडी में जितने पाथवेज चलते हैं मेजरली कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, डीअमाइनेशन। और अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है ये भी एक डीअमाइनेशन करने वाला एंजाइम है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइनर पाथवेज में, ठीक है। और जिसके पीछे एज लगा होता है ना, एज डीहाइड्रोजिनेज अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। हम पढ़ेंगे कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उसका क्या फंक्शन है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, द अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामेट इज रिलीज एज अमोनिया बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है, जो ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन करता है, मतलब क्या है, जो अमाइनो ग्रुप की रिमूवल करता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी में अगर ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट क्या है, एक अमाइनो एसिड है, तो ग्लूटामेट में से ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देगा, इसमें से अमोनिया निकाल देगा, ठीक है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो डी अमाइनेशन करता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिन क्या करता है, डीअमाइनेशन, मतलब अमाइनो ग्रुप की रिमूवल करता है। तो क्या होगा, ग्लूटामेट में से अमाइनो ग्रुप जो है वो निकल जाएगा जब GDH जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जब किसी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटो एसिड में, तो ये क्या बन जाएगा, कीटा ग्लूटरेट, और साथ में जो अमोनिया है वो निकल के उड़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, कंप्लीट रिएक्शन जो है वो ऐसी होती है इसकी। नेक्स्ट इज GDH इज अ कॉम्प्लेक्स एलोस्टेरिक एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ 6 सबयूनिट। जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है वो उसमें 6 सबयूनिट्स होते हैं, ऐसे होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, 6 सबयूनिट्स होते हैं, और ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ऐसे एंजाइम जिनके ऊपर साइट्स होती हैं, ठीक है, एक साइड के ऊपर आके तो लगता है सबस्ट्रेट, और दूसरी जो साइट्स होती हैं वो इस साइड को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो उसको आप इतना आपको डीपली नहीं करना, एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जिनमें बाइंडिंग साइट के अलावा और भी साइट्स होती हैं, ठीक है। तो GDH जो है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो एक कम्प्लेक्स एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसमें 6 सबयूनिट्स होते हैं। इट हैज़ कैपेसिटी टू यूटिलाइज NAD एंड NADP एज कोएंजाइम। तो आपने देखा था ऊपर कि NAD जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो GDH जो है वो एक ऐसा एंजाइम है, उसकी कैपेसिटी है वो NAD एंड NADP को एज ए कोएंजाइम यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट है GTP एंड ATP आर एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। अब जो GTP है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ATP एंड GTP तो आपको पता ही है, वो क्या है, वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं, वेयर एज GDP एंड ADP क्या है, वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं। अब एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो GDH जो एंजाइम है वो कैसा होता है, 6 सबयूनिट्स वाला, ठीक है, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे एक साइट होगी, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके लगता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, वो इस साइट को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। वो ये जो साइट है ये इस साइट को बताती है कि अब यहाँ पे आके रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर GTP एंड ATP यहाँ पे इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, GTP एंड ATP क्या करते हैं, वो इस एलोस्टेरिक इस साइट को मैसेज भेजते हैं कि यहाँ पे कुछ भी आके ना लगे, रिएक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। बट GDP एंड ADP क्या करते हैं, वो यहाँ से मैसेज भिजवाते हैं इस साइट को कि नहीं, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट लगे और रिएक्शन जो है वो चलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं GTP एंड ATP क्या हैं, वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं, मतलब क्या है, वो इनहिबिट करते हैं कि जो एंजाइम है वो एक्ट ना करे। बट GDP एंड ADP क्या हैं, वो एक्टिवेटर हैं, वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, दिस इज होल मैकेनिज्म। नेक्स्ट है लॉवरिंग ऑफ सेलुलर एनर्जी इंक्रीज ADP एंड GDP विच एक्टिवेट GDH। अगर हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी कम हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ADP एंड GDP इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। जब ADP एंड GDP इंक्रीज हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेटर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे GDH एंजाइम को। उससे क्या होगा, डीएमाइनेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना कि GDP एंड ADP जो है वो बेटे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं। अगर हमारे सेल्स की एनर्जी लो हो जाती है तो जो सेल्स हैं
वो मैसेज देते हैं कि भी GDP एंड ADP जो है उनको एक्टिवेट किया जाए क्योंकि मेरे पास एनर्जी की कमी है, तो डीएमाइनेशन जो है वो स्टार्ट की जाए सो दैट मुझे एनर्जी मिले, तो GDP एंड ADP एक्टिवेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, डीएमाइनेशन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये GDH को एक्टिवेट कर देंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ सेलुलर एनर्जी इंक्रीज ATP एंड GTP विच इनहिबिट GDH। अगर हम इसके उल्ट बात करें, ऑपोजिट क्या होगा, अगर हमारे सेल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेंगे, वो ATP एंड GTP को इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या है, ये इनहिबिटर्स हैं, तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो डीएमाइनेशन जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। अगर हमने GDH को तो डिस्कस कर लिया है और सेकेंड एंजाइम जो था वो था अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो कि माइनर पाथवेज में इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की बात करें तो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज क्या करता है, ये कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप लगा है, एसिड ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है। तो वो क्या करता है, वो FMN ये भी एक एंजाइम है, इसको ये अपने साथ अटैच करवा लेता है, इसको यूज़ करता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले AH निकल गया यहाँ से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH में, उसके बाद फिर ये जो NH है वो अमोनिया जो है अमोनिया बन के निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कीटो एसिड। तो ये प्रोसेस क्या है, डीअमाइनेशन। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। अब एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है हमने पढ़ लिया है पहले कि अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो डी अमाइनेशन करता है और माइनर पाथवेज में इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम कोई अमाइनो एसिड लेते हैं तो उसमें हम अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो है एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, तो FMN जो है वो एक हाइड्रोजन निकाल के इसमें से ले जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू द दिस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये अमोनिया बन के निकल जाएगा और ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। अब हमने ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन जो है वो डिस्कस कर ली है, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन जो होती है वो होती है डीएमाइनेशन ऑफ सम अमाइनो एसिड्स इज कैटलाइज्ड बाय डीहाइड्रेटेज सिराइन, डी सल्फाइड्रेटेज सिस्टीन एंड हिस्टीडेज हिस्टीडिन। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन है, ठीक है, उसमें जो अमाइनो एसिड जो है वो कैटलाइज्ड होते हैं किससे, डीहाइड्रेटेज से, डी सल्फाइड्रेटेज से एंड हिस्टीडेज से। तो इनके जो नाम्स हैं वो याद कर लेने हैं आपको नेम्स, ठीक है, तो कैटलाइज्ड बाय डीहाइड्रेटेज, हाइड्रेटेज की एग्जांपल है सिराइन, डी सल्फाइड्रेटेज की एग्जांपल है सिस्टीन एंड हिस्टीडेज की एग्जांपल है हिस्टीडिन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सिराइन है, सिराइन कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, सिराइन कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिराइन डीहाइड्रेटेज। सिराइन डीहाइड्रेटेज जो है ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम जो है जब ये क्या करता है, सिराइन को पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है। सिराइन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, सिराइन एक अमाइनो एसिड है, जब इसमें से अमोनिया निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में। तो ये भी एक एग्जांपल है डी अमाइनेशन की, बट ये किसकी एग्जांपल है, ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन की। तो ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन में क्या होता है, जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सिराइन डीहाइड्रेटेज, डी सल्फाइड्रेटेज, हिस्टीडेज। अमाइनो एसिड जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सिराइन, सिस्टीन, हिस्टीडिन। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स सिराइन डिहाइड्रेटेज, अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाएगा कन्वर्ट इनटू द पाइरूवेट। सेकंड एग्जांपल है सिस्टीन, अगर सिस्टीन जो है उसमें हम डी सल्फाइड्रेटेज जो डाल दें तो इट्स कन्वर्ट इनटू द पाइरूवेट, अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हिस्टीडिन, हिस्टीडिन की जो एग्जांपल है अगर उसमें हिस्टीडेज एंजाइम डाल दें तो वो क्या करेगा, इसमें से अमोनिया जो है वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरोकैनिक एसिड में। ठीक है, यूरोकैनिक एसिड जो आपको ये एग्जांपल है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन। अगर हम डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन की बात करें तो डीकार्बोक्सीलेशन होता है, देखो अब तक हमने अमोनिया ग्रुप रिलीज किया था,
ठीक है, ये क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, डीअमाइनेशन जो है वो हमने कर ली है। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होता है ना, तो ये CO2 बन के उड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द COOH ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अब जब COOH ग्रुप जो निकल गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, NH3R, तो ये क्या है, ये अमाइन्स हैं। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी अमाइनो एसिड से COOH ग्रुप जो है वो रिलीज करवा देते हैं, जो CO2 बन के इवेपोरेट हो जाता है, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, अमाइन्स की, ठीक है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज विच रिक्वायर्ड पायरिडॉक्सिल PLP एज को एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे PLP इन्वॉल्व है ना हर रिएक्शन में, तो ये क्या है, पायरिडॉक्सिल, PLP का मतलब है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। तो पायरिडॉक्सिल जो है फॉस्फेट जो है ये क्या था, विटामिन बी कम्प्लेक्स B6, ठीक है। तो ये को एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम्स को काम करने के लिए भी डाइट की ज़रूरत होती है, इनको भी को एंजाइम यूज़ करने पड़ते हैं तभी ये काम कर सकते हैं। तो एंजाइम का को एंजाइम क्या है, इसमें पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ऐसे को एंजाइम काम कर रहा है तो रिएक्शन जो है उसके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वो इसकी डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं, ठीक है। द जो एंजाइम जो है वो फाउंड इन टिश्यूज लाइक लीवर, किडनी, ब्रेन एंड इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि हमारे लीवर, किडनी में, हमारे इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये डीकार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस है वो एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व, वो एंजाइम जो है वहाँ पे मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, दिस इज़ वन ऑफ अमाइनो एसिड, बिकॉज एट द वन एंड देर इज़ अमाइनो ग्रुप एंड द अदर एंड देर इज़ COO एसिड ग्रुप, दिस इज़ अमाइनो एसिड। व्हेन यू आर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है इट विल एवेपोरेट COOH टू CO2, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कर दी इसने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया इसने यहाँ से। तो एंजाइम जो है इसमें B6 है, B6 क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। B6 जो है वो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2, ये एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइंस बन गए क्योंकि COOH जो है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है बायोजेनिक अमाइंस फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस अमाइनो एसिड एंड देयर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इज समराइज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। मतलब क्या है इसमें, बायोजेनिक अमाइंस का मतलब होता है बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी में, बायो होता है बॉडी, बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स जो बनते हैं, ठीक है, जो बायोजेनिक अमाइंस का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो अमाइंस बनते हैं, वो बहुत सारी जो प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो हम उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो हम जो है हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, इसमें टेबल बनाया है हमने, तो हमें समराइज फॉर्म में देखेंगे कि इनकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं दैट इज़ आर्जिनिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अगर इसमें से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दें, डी कार्बोक्सिलेशन कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में, उसका नाम क्या होता है, एगामेटिन। अगर हिस्टिडिन की डी कार्बोक्सिलेशन कर दें तो दैट कन्वर्ट इनटू द हिस्टामिन। अगर सिराइन की डी कार्बोक्सिलेशन कर दें देन इट कन्वर्ट इनटू द इथेनोलामाइन, ठीक है, इथेनोलामाइन। इफ वी डी कार्बोक्सिलेज टायरोसिन देन इट कन्वर्ट इनटू द टायरामिन, ठीक है। तो दिस इज होल एग्जांपल्स फॉर डी कार्बोक्सिलेशन, दिस देर इज अ फोर अमाइनो एसिड विच वी हैव टेकन इन समराइज्ड फॉर्म। इफ वी डी कार्बोक्सिलेज दीज अमाइनो एसिड देन इट कन्वर्ट इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग अमाइंस, द नेम इज गिवन हेयर, देर इज बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एज वेल, ठीक है। तो व्हेन आर्जिनिन कन्वर्ट इनटू द एगामेटिन, ठीक है, द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन इन द गट। एगामेटिन जो है वो क्या करता है, ठीक है, वो प्यूरिफिकेशन करता है गट की। हिस्टामिन जो है वो वैसोडाइलेटर है, वैसल जो है इनको डाइलेट करता है ताकि जो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, ब्लॉकेज की वजह से जब यहाँ से ब्लड जाता है तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है,
तो ये हिस्टामिन क्या करता है, इसका ल्यूमन साइज इंक्रीज कर देता है, सो दैट जो ब्लड है वो ईजिली यहाँ से फ्लो हो जाए, तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये पेप्सिन को भी इंक्रीज करता है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक में हमारे एसिड रिलीज करवाता है, HCl रिलीज करवाता है, ठीक है। ये HCl की कंसेंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है। इथेनोलामाइन क्या करता है, दिस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोलिपिड लाइक सेफेलिन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स को बनाने के लिए इथेनोलामाइन का यूज़ होता है, एग्जाम्पल है सेफेलिन, ठीक है। टायरामिन जो है दैट इज बैसो कंट्रिक्टर है, कि जिन लोगों की ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है तो उन लोगों को ये टायरामिन क्या करता है, इनकी कंस्ट्रिक्शन कर देता है, ताकि इनका ल्यूमन साइज जो है वो कम हो जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, ये यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो है वो टायरामिन के साथ होती है। जो फोर्थ है वो यूरिया साइकिल है, ठीक है, जिसको ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रैब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एवरी टाइम एग्ज़ाम में जी एग्ज़ाम ही आया है 10 मार्क्स में, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।